चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर क्लिक करिए। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। कि ये जो ये वैल्यू दी हुई है हमें ब्रैकेट में, क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। अब मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास है 3x और हमें x की वैल्यू ब्रैकेट में दी हुई है 2, तो आपने क्या करना है, इस x को 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ये आ गया हमारा 6। मतलब कि जो हमें ये वैल्यू दी हुई है इसे हमने x की जगह भरना है। अगर हमारे पास दिया हुआ है 7p इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 4, आपने क्या करना है, लिखना है 7 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए आगे अगर सम है -3 और यहां पर लिखा है 0, तो आपने -3 ऐसे ही उतार देना है, 0 भी ऐसे ही उतार देना है। 7 4 28, -3 इक्वल्स टू 0 और ये आ गया 25 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये बराबर नहीं है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं आ रही है राइट हैंड साइड के, तो इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। फर्स्ट हमने ये किया, सेकंड ये किया, और एग्जांपल ले सकते हैं 4n। अब इसमें n है, n अगर हमें दिया हुआ है 2, तो हमने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 8, मतलब कि वैल्यू हमने ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, इस तरह से हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है अगर 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, हमें x की वैल्यू दी हुई है 4, तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, माइनस 2 ऐसे ही उतार देंगे और 0 भी, 5 4 20 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो आ गया 18 इक्वल्स टू 0, जो हमारा इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर नहीं आई है राइट हैंड साइड के, तो इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन का हमारे सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से हम ये सम करते हैं। अब देखिए जैसे कि अब ये सम है हमारे, n की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, n की जगह हमने लिखना है 1, 1 + 5 = 9, ये आ गया हमारा 6 = 9, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे, मतलब कि n माइनस 1 है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पर माइनस 2 है, तो आप लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 19, 7 2 14 आ गया प्लस 5 इक्वल्स टू 19, इन दोनों को लेस करेंगे तो ये आ गया हमारा माइनस 9 इक्वल्स टू 19, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हम इसमें भी यहाँ पर यही लिखेंगे कि n माइनस 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो हमने यही लिखना है कि कौन कौन हमारा सॉल्यूशन है और कौन कौन नहीं है। यहाँ पर n की वैल्यू है 2, तो हम लिखेंगे n मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, 7 2 14 प्लस 5 इक्वल्स टू 19 है, इन दोनों को प्लस करके आ जाता है 19 इक्वल्स टू 19, दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो इट इज़ अ सॉल्यूशन, यस इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए 4p, p की वैल्यू है -4, तो आप ब्रैकेट में -4 लिखेंगे, -3 इक्वल्स टू 13, 4 4 16, -16 आ गया, -3 इक्वल्स टू 13, इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 19, क्योंकि हमारे समान चिन्ह हमेशा सेम साइन हमेशा प्लस होते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, तो ये 9 आ गया हमारा। अब आगे हमारा आ गया 4p, p की वैल्यू है हमारी -4, तो
फोर मल्टीप्लाई माइनस फोर माइनस थ्री इक्वल्स टू 13, तो ये आ गया माइनस 16 माइनस थ्री इक्वल्स टू 13, माइनस नाइन इक्वल्स टू 13। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। ये P इक्वल्स टू माइनस फोर इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। P हमारा यहाँ पर जीरो है, तो फोर मल्टीप्लाई जीरो माइनस थ्री इक्वल्स टू 13, जीरो माइनस थ्री इक्वल्स टू 13 और माइनस थ्री इक्वल्स टू 13, ये इक्वल नहीं आते हैं, माइनस थ्री और 13 बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये इक्वल हमारे नहीं है, तो हमारा आंसर होगा इसमें नो। तो इसी तरह हमने ये सम सॉल्व करना था और यह हमारा सम सॉल्व हो गया है।